हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। सहारा रिफंड पोर्टल पर बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो यहां पर सुब्रत राय थे जिनका निधन हो चुका है, उसके बाद से लोगों के तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब जो सहारा में जिनका पैसा इन्वेस्ट है उनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बना दिया है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें यहाँ पर कि सहारा के 25,163 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार के खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं। और ये जो पैसा है जो सरकार के खाते में ट्रांसफर होगा, ठीक है, और इस पैसे का उपयोग योजना में किया जा सकता है, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। चूंकि अभी सहारा के जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो क्लेम किए हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं, उनका पैसा अभी तक मिला नहीं है। इवन बहुत सारे लोगों का जो पैसा है वो ये कहकर टाल दिया गया है कि आपका सोसाइटी के नाम से मैच ही नहीं है, तो आपका डेटाबेस में है ही नहीं है। और इधर जो सेबिक है उसके तरफ से कहा गया है कि हमें भैया अब तक दावा ही नहीं मिला है कि जो लोग हैं जो इन्वेस्ट किए हैं उनको हमें मालूम चल सके कि कुछ लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो दावा किए हैं, लेकिन क्या है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर दावा ही नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ जो पैसे देने की बात कही गई है, जो 25,163 करोड़ है, ये जो पैसा है ये सरकार के खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसका क्या मकसद है और इससे क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट होगा, आइए इस वीडियो में हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले तो पूरी खबर पर हम नजर डालें, तो खबर बताती है यहाँ पर सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय के निधन के बाद ग्रुप की कंपनियों की देनदारी का मसला एक बार फिर से सामने आया है। अब यहां पर केंद्र सरकार जो है सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में निवेशकों के अनक्लेम्ड फंड को अपने कंसोलिडेटेड फंड समेकित निधि में ट्रांसफर कर सकती है। यानी जितने भी सहारा में जो इन्वेस्टर थे और उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया है, उनका फंड जो है यहां पर कहा जा रहा है कि सरकार जो है सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में निवेशकों के अनक्लेम्ड फंड को अपने कंसोलिडेटेड फंड समेकित निधि में ट्रांसफर कर सकती है। बाद में क्लेम करने वालों को रिफंड देने का प्रावधान भी रह सकता है। आगे आपको बता दें 31 मार्च 2023 तक सहारा ग्रुप से रिकवर और सरकारी बैंकों में जमा कुल रकम 25,163 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 17,526 आवेदकों के 138 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बता दें कि 17,526 आवेदकों को 138 करोड़ रुपए लौटाए। 138 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है, इसमें तो भी 10,000 लोगों का आया ही है, फिर भी यहां पर कितने मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया 138 करोड़ रुपए हमने लौटा दिए हैं। मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया था, उसके बाद 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर किए गए थे, ताकि सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के वैध जमाकर्ताओं के डिपोजिट के आधार पर भुगतान किया जा सके। आगे बता दें आपको कि रिफंड के लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया था, यह काम आदेश की तारीख के बाद 9 महीने के भीतर करना होगा, बाकी पैसा सहारा से भी रिफंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें सहूलियत, बाद में क्लेम करने वालों को भी यहां पर रिफंड मिल सकता है। वो आपको बता दें यहां पर जो खबर निकल के आई है कि 13 करोड़ लोगों के 1,00,000 करोड़ रुपए सहारा में लगे हैं। 13 करोड़, भाई साहब बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पैसे यहां पर सहारा में लगाए थे, एक उम्मीद के साथ, एक आस के साथ के उनके बच्चों का, उनके भविष्य का, उनके जो ड्रीम है उनका सपना पूरा होगा, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया। कुछ आस जगी है यहाँ पर सहारा रिफंड को लेकर के कि हाँ भैया कुछ लोगों का पैसा मिलने लगा है, लेकिन 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 अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग निराश हैं क्योंकि उनका क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रिसबमिशन आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल 10,000 वालों का ही यहां पर रिसबमिशन अभी हो रहा है, 25 नवंबर के बाद 20,000 वाले का होगा, उससे हेवी अमाउंट जो वाले हैं उनका डेट अभी फिक्स नहीं किया गया है। केंद्र ने 25,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से निकाल लिए हैं। सहारा ने सहकारिता समिति के जरिए भी पैसे उगाहे थे। सरकार ने प्रति डिपोजिटर 10,000 रुपए देने की स्कीम चलाई है। अब तक 33 लाख लोग जो है पैसे मांगने आए हैं। सरकार ने संसद को बताया था कि 13 करोड़ लोगों के 1,00,000 करोड़ सहारा में लगे हैं। आपको बता दें यहाँ पर कोर्ट ने 2012 में कहा था कि सेबी के पास फंड जमा करें। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कोऑपरेटिव और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव को निर्देश दिया था कि वो निवेशकों का पैसा ब्याज समेत वापस करे। कोर्ट ने कहा था कि सेबी के पास फंड जमा करें। सूत्रों के अनुसार सेबी के पास रिफंड अमाउंट में से 11 साल में
बहुत कम दावेदार सामने आए हैं। तो भैया दावेदार तो बहुत है लेकिन सामने इतना कम क्यों आ रहे हैं? आप लोगों की कमी की वजह से हो रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो सहारा में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं चूके हैं क्लेम करने में, या फिर क्लेम करने में कहीं गलती किए हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, जितना जल्दी हो सके आप सहारा रिफंड के पोर्टल पर अपना क्लेम कीजिए, सही से कीजिए। और अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है तो उसको रिसबमिशन कीजिए। और इस पर हमारा वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं सहारा रिफंड पोर्टल प्लेलिस्ट में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सहारा रिफंड पोर्टल के रिगार्डिंग किसी भी तरह का क्वेश्चंस या कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।